स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन। दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7। द टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू एंड फॉर आवर प्रैक्टिस। नाउ इन दिस प्रोसेस, नाउ आई विल गोइंग टू एंडिंग पोजिशंस। I will solve the last exercise, the questions. You have to aware for your study. You have to aware for yourself, then you can do each and everything. In this process, I will solve the 10th question of exercise 7.3. ABCD is a square and AC is one of the diagonal. Given, it is given. You have to write here. ABCD is a square. And AC is... डायगनल एसी इज ड्रॉन। क्या प्रूव करना है? इसके पहले जो मैंने पैरेललोग्राम बताया था, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए बी सी वेरी गुड, प्रूव कर लो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर, जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होगा। और यहाँ ए सी इक्वल टू सी ए हो जाएगा, कॉमन साइड। इसको हम लोग आर एच एस से भी प्रूव कर सकते हैं, इसको हम लोग चारों कंडीशन लगा के प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए बाय साइड रूल, ये प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन इतने का रहा है, ठीक है। अब हम साइड एंगल साइड कैसे लगा सकते थे? ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाएगा। साइड प्रूफ हो ही गया। अब आर एच एस से कैसे प्रूफ करेंगे? ये एंगल इसके इक्वल, राइट एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये साइड दोनों में कॉमन है, हाइपोटेनस, और कोई एक साइड इक्वल दिखा दीजिए तो आर एच एस से प्रूफ हो जाएगा। एंगल साइड एंगल दिखा दिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल है और ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक ऐसे दो ट्राइंगल में चारों कंडीशन यूज हो सकते हैं। यू हैव टू यूज एनी वन कंडीशन टू प्रूव दैट बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। वीडियो को पास करके आराम से नोट कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 11। पढ़ते रहिए और अपने माइंड को अपग्रेड करते रहिए। 11th क्वेश्चन, 11th क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, प्रूव दैट ए बी एम ए सी एम कॉन्ग्रुएंट हो। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको 9th में जाकर मिलेंगी। सेम क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी और जो ये ए एम ड्रा किया गया है, ये इसका बाइसेक्टर है। गिवन, ध्यान समझिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। आपको क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एम। दिस इज द प्रूविंग ए बी एम एंड ए सी एम कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, द क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम, ए बी एम एंड ए सी एम क्या हो गया?
ए बी इक्वल टू ए सी ये तो गिवन है, एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल सी ए एम, यहां लिखेंगे ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, और जब बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो ए एम है इस एंगल को बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और बेटा ए एम इक्वल टू ए एम दैट इज कॉमन साइड, ये क्या है कॉमन साइड है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एम बाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये शो करता है, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है सो दैट बी एम इक्वल टू सी एम, तो बाई सीपीसी बी एम इक्वल टू सी एम, सो दैट ए एम परपेंडिकुलर बी सी, तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और दोनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल है तो प्रत्येक 90 का हो जाएगा, और 90 का हो जाएगा इसका मतलब ए एम परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी भी है आइसोसेलिस ट्राइंगल की, कि आइसोसेलिस ट्राइंगल में मेन वर्टेक्स से मेन वर्टेक्स का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो मिड पॉइंट होता है और वहाँ 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। अब इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अब 12th क्या कह रहा है, प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12th का फर्स्ट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी आप दीजिए उनके रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल क्या होता है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल ए बी सी डी है, इसके डायगोनल ड्रा करना है, ठीक है। गिवन डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर ड्रॉन इन रेक्टेंगल ए बी सी, ठीक है। टू प्रूफ ए सी इक्वल टू बी डी, आपको प्रूफ करना है ए सी और बी डी आपस में क्या हो इक्वल, तो प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ ध्यान समझिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है किसकी, एक क्वाड्रेटरल है, अ क्वाड्रेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए दैट इज कॉमन साइड, ए बी सी में बी ए भी आ रहा है, बी ए बी में बी ए भी आ रहा है, कॉमन साइड हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच 90 डिग्री, रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बेटा बी सी इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड रूल, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी बी सी डी, जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाई सी पी सी टी ई उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल,
दिस इज द वे, दिस इज द सिस्टम, यू हैव टू अवेयर फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस एट योर स्टडी, देन यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट द जियोमेट्री. विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग यू कॉन्ट डू एनी थिंग इन ज्योमेट्री. सो यू हैव टू फोकस एट द वीडियोज एंड ईच एंड एवरी थिंग लिटिल आर ग्रेटर. You have to aware for that. Okay? Now in this process, the second rule, diagonals of a square are equal. ये question हो गया. अब इसी का second part है. Video को pause करके note कर लीजिएगा. 12th का second part. 12th का second part. Diagonals of a square are equal. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. कोई दिक्कत नहीं है. स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है. देखिए इसका ए बी सी बी डायगोनल ड्रा कर लीजिए. ए सी और बी गिवन. Diagonals AC and BD are drawn in square ABCD to prove AC is equal to BD. इसको भी ऐसे प्रूव करेंगे. In triangle ABC एंड ट्राइंगल बी एड. स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती है. प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है. क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी ए. कॉमन साइड वही चीज है, न मिटा हो तो इसको कर देते हैं. ए बी इक्वल टू बी ए और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच 90 डिग्री और बेटा हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर की साइड्स क्या होती है? सभी आपस में इक्वल होते हैं. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड रूल. देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा? ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी बी सी डी. सेम ऐसे ही प्रूफ करेंगे. स्क्वायर स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर हो? स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है. वीडियो को पास करके नोट कर लीजिएगा. सेम प्रोसेस वही है रेक्टेंगल और स्क्वायर का. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होती है. बाकी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है. ये हो गया 12th क्वेश्चन. अब हम लोग पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन, इफ इन द गिवन फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए सी पैरेलल बी डी. चलिए अच्छी बात है. 13th क्वेश्चन देखिए, ये है पहले फिगर देख लीजिए. फिगर ऐसे बना हुआ. ए बी एंड सी ओ इज द मिड पॉइंट. ये साइड से इक्वल है, ये साइड से इक्वल, ठीक है. गिवन इन फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी बोथ. दोनों का मिड पॉइंट ए बी एंड सी डी टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी. नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी डी.
एसी इक्वल टू बीडी एंड एसी पैरेलल बीडी एंड एसी पैरेलल ग्रुप कर दीजिए। पहले इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी डी ओ ए सी ओ बी डी इस और इस ट्राइंगल देखते थे ओ ए इक्वल टू ओ बी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये गिवन है और एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी क्यों होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये साइड इसके तो क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट है और ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और बेटा ओ सी इक्वल टू ओ डी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ये भी गिवन देयरफोर ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्वेंट ट्राइंगल ओ बी डी बाई साइड एंगल साइड रूल साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्वेंट हो जाएंगे देयरफोर बाई सी बी सी टी ई ए सी इज इक्वल टू बी डी ए सी और बी डी आपस में इक्वल जाएगा जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए सी और बी डी इक्वल होंगे। अब ए सी और बी डी को पैरेलल प्रूव करना है कोई दिक्कत नहीं है एंड इसको एंगल वन कर लीजिए इसको एंगल टू एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल वन एंगल टू का इक्वल हो गया। अब यहां देखिए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ चुके हैं ये क्या है मैं समझिएगा ये क्या है देखो बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए ध्यान से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल इसके ऊपर ये तभी इक्वल होंगे जब एसी पैरेलल देयरफॉर एसी पैरेलल बीडी ये तभी इक्वल होंगे जब एसी और बीडी आपस में पैरेलल देखिए ध्यान से भाई ये और ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गया जब ये और ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गया तो बाइसिपिसिटी एसी और बीडी इक्वल हो गया बाइसिपिसिटी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया एंगल वन एंगल टू के इक्वल तभी होगा जब एसी और बीडी पैरेलल इस तरीके से आप वीडियो को पांच करके नोट कर सकते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और जो क्वेश्चन बचे उनके साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे करवाते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू।